रावण के वध और महाराज विभीषण के राज्य अभिषेक के बाद जब श्री राम को माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटना था तब प्रभु श्री राम बहुत चिंतित थे। महाराज विभीषण ने श्री राम को चिंतित होता देख उनसे पूछा, हे प्रभु, सेवक के होते हुए हमारे स्वामी को आखिर किस बात की चिंता है? विभीषण, हमारे वनवास के 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में केवल 2 दिन ही शेष है और हमारे छोटे भाई भरत ने यह शपथ ली थी कि हमें अगर अयोध्या पहुंचने में एक भी दिन की देरी हुई तो वह जलती चिता में कूद जाएंगे। हमारा भाई जितना भावुक है उतना ही हठीला भी है, इसलिए हमें इस बात की चिंता है कि हमारे वनवास की अवधि पूरी होने में केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं और अयोध्या बहुत दूर है। 2 दिन में हमारा वहां तक का सफर पूर्ण कर पाना मुमकिन है? हे प्रभु, आप चिंता ना करें, आपके सेवक में अभी इतना सामर्थ है कि वो आप सबको अपने कंधे पर बिठाकर 1 ही दिन में अयोध्या पहुंच सके। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान जी, आखिर हमारा पुष्पक विमान किस दिन काम आएगा? पुष्पक विमान को जितना बड़ा करना चाहें हम कर सकते हैं और जितना छोटा करना चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। आप सब निश्चिंत होकर उसमें जा सकते हैं। इसके बाद विभीषण उनके कहने पर पुष्पक विमान मंगवाते हैं और फिर उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में राम हनुमान से कहते हैं, हनुमान, लंका पर विजय और वनवास के दौरान जिन लोगों ने हमारी तन मन से सहायता की, हम उन सब लोगों से मिलते हुए अयोध्या लौटना चाहते हैं और हमें लगता है इन सब में हमें काफी समय लग जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शीघ्र अयोध्या जाओ और वहां पहुंचकर भरत को हमारे आने की सूचना दो। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी अयोध्या जाकर भरत को आपके लौटने का सुखद समाचार सुनाता हूँ। इतना कहकर हनुमान अयोध्या की तरफ उड़ान भरते हैं, जबकि प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद हनुमान अयोध्या पहुंच जाते हैं। अयोध्या में हनुमान सबसे पहले भरत से मिलते हैं। राम के बिना भरत तो लगभग मृत्युशैया पर ही पहुंच चुके थे। हनुमान भरत से मिलकर राम के जल्दी लौटने का शुभ समाचार उन्हें सुनाते हैं। प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौट रहे हैं, आप अयोध्या वासियों के साथ मिलकर उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। जैसे ही भरत को ये संदेश मिलता है उनको मानो नया जीवन मिल जाता है। क्या मेरे भ्राता राम आ रहे हैं? फिर हर्ष और आनंद में मगन होकर सबको ये संदेश सुनाने लगते हैं। सुनो सुनो नगरवासियों, मेरे भ्राता श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। हम सबके राम अब बस आने ही वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही आनंदमय और सुखमय संदेश है। ये सुनने के लिए हम सब कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। ये संदेश मिलते ही अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगती हैं। अयोध्या में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति भी हर्ष और आनंद में डूब जाती है। सब राम के दर्शन को आतुर हो उठते हैं। माँ, मैं भी प्रभु राम के दर्शन करूँगा। हाँ जरूर करना बेटा, राम अयोध्या इसी मार्ग से होते हुए जाएंगे। ये, ये, हमारे राम वापस लौट रहे हैं। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब श्री राम अयोध्या लौटते हैं। श्री राम को देख सब बहुत खुश होते हैं। सारा अयोध्या दीप और रोशनी से जगमगा उठता है। प्रभु श्री राम पर सभी नगरवासी फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हैं। प्रभु राम के लौटने से तो आज अयोध्या का हर कोना आनंद की रोशनी से जगमगाने लगा है। स्वर्ग से सभी देवगण भी पुष्प वर्षा करने लगते हैं। अयोध्या के महल में स्वागत के लिए कौशल्या माँ हाथ में स्वागत की थाली लिए सुमित्रा भरत कुलगुरु के साथ खड़ी होती है, लेकिन कैकेयी माता को वहाँ ना पाकर लक्ष्मण कहते हैं, कैकेयी माता कहाँ है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे स्वागत के लिए नहीं आई। फिर राम बिना किसी से कुछ कहे सीधा महल के अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैकेयी पश्चाताप के कारण अपने कक्ष में बैठकर आंसू बहा रही होती है। तब श्री राम और माता सीता उनके पास जाते हैं और उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं, चरण वंदन माता, लेकिन कैकेयी उनसे मुंह मोड़ लेती है और आशीर्वाद नहीं देती। क्या आप अपने पुत्र राम से रुष्ट है माता? ऐसा कहकर तुम हमें लज्जित न करो राम। फिर आप औरों के साथ हमें आशीर्वाद देने हमारे स्वागत के लिए क्यों नहीं आई माता? अपने कर्मों के अंधकार से घिरी हुई ये कैकेयी उस राम के समक्ष कैसे आती जिसने अपने कर्मों से सारे संसार को आलोकित किया हुआ है। सच कहूँ तो मुझे भय था पुत्र कि तुम मुझे क्षमा करोगे भी या नहीं। माता, कोई भी पुत्र माता को क्षमा करने योग्य नहीं हो सकता। पुत्र के लिए तो माता का आशीर्वाद और उनका स्नेह ही सब कुछ होता है। नहीं नहीं, लेकिन भला मैं तुम्हें किस मुख से आशीर्वाद दूं पुत्र? मेरे कारण तुम्हें और सीता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे ना कहें माता, केवल आपके कारण ही तो मैं वो अमूल्य निधि प्राप्त कर सका हूँ
साधारण मनुष्यों का जीवन जीकर ही तो उनके सुख दुख का वास्तविक अनुभव प्राप्त हो पाता है। और फिर यदि मैं वनवास नहीं जा पाता तो रावण का वध कैसे होता? और माता, आपके कारण ही तो एक नए राम का जन्म हुआ है। राम की कीर्ति को सारे संसार में विस्तारित करने का श्रेय तो मात्र आपको ही है माता। अब तो आशीर्वाद दे दीजिए माता। फिर कैकेयी अपने आंसू पोंछती है और प्रसन्न होकर राम और सीता को आशीर्वाद देती है। इस माँ का आशीर्वाद है तुम दोनों को। जब भी पुरुष धर्म की बात होगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही याद किया जाएगा, और जब नारी आचरण की बात होगी तो सब सीता का ही उदाहरण देंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर कैकेयी माता कौशल्या और सुमित्रा माता के साथ मिलकर प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। सारा राजमहल दीयों की रोशनी से जगमगा उठता है। अयोध्या की रोशनी से कार्तिक मास की कालरात्रि भी जगमगा उठती है। उस दिन भगवान राम के अयोध्या आगमन पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जो उत्सव मनाया गया, वही समस्त भारत में दीपावली के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा, और वो आज भी पूरी श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है।